दोस्तों कैसे आप सभी? आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे। दोस्तों पियागियो कंपनी के बारे में तो आप जानते होंगे, ये एक ऐसी कंपनी है जो वेस्पा जैसी गाड़ियाँ, एप्रिलिया जैसी गाड़ियों को इंडिया में लॉन्च करता है। मैं आईसी इंजन की बात कर रहा हूँ। अब यही कंपनी इंडिया में आ रही है विद ईवी सेटअप। जी हाँ, इनकी एक इलेक्ट्रिक स्कूटर है जिसका नाम है पियागियो 1+। हालांकि पियागियो 1 के 3 मॉडल आते हैं, पियागियो 1, पियागियो 1+, पियागियो 1 एक्टिव। बट इंडिया में आपको जो पियागियो देखने को मिलेगी वो पियागियो 1+। इस स्कूटर की अगर मैं बात करूँ, ये रिसेंटली लॉन्च हुई है इंटरनेशनल मार्केट में, लेकिन इंडिया में भी बहुत जल्दी आने वाली है। बहुत डिफरेंट डिफरेंट कलर आपको देखने को मिलेंगे। एंड आपको लोगों को पता ही है, पियागियो की गाड़ियाँ ऑलमोस्ट टॉप नॉच क्वालिटी की होती है। लाइक डुअल टोन आपको सीट देखने को मिलेगा। यहाँ पे सीट की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी नैरो दिया गया है। आपको एल्युमिनियम स्विंग आर्म देखने को मिलता है। फ्रंट फेंडर में ही 2 हेडलाइट है, साथ ही साथ 2 DRS दिया गया है। फ्रंट में सिंगल स्विंग आर्म वाला सस्पेंशन सेटअप देखने को मिलता है विथ द डिस्क ब्रेक, एंड द टायर क्वालिटी इज टॉप नॉच। यहाँ पे जो फुटरेस्ट है, पैसेंजर फुटरेस्ट, वो काफ़ी अच्छे से इनबिल्ड किया गया है जिससे वो दिखे ना और एक बॉडी का पार्ट हो। फ्लोरबोर्ड एडिक्युएट है। यहाँ पे आपको पीछे डुअल सस्पेंशन सेटअप देखने को मिलता है, एंड BLDC मोटर दिया गया है बिकॉज ये एक बॉश का BLDC मोटर है। अब बात आती है इसमें स्पेसिफिकेशंस वाइज क्या है। अगर पियागियो 1 की बात करूँ तो यहाँ पे मोटर पावर है 1.2 किलोवाट की, पीक टॉर्क है 85 न्यूटन मीटर्स का, बैटरी कैपेसिटी है 1.4 किलोवाट आवर की, 48 वोल्ट 29 एम्पियर आवर की बैटरी, रेंज आपको 60 किलोमीटर, एंड टॉप स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर। बट ये वाला वेरिएंट इंडिया में नहीं आ रहा है, तो डोंट वरी, जो नेक्स्ट वेरिएंट है वो आपको देखने को मिलेगा इंडिया में, दैट इज पियागियो 1+। 1.2 किलोवाट का आपको मोटर देखने को मिलेगा, पीक टॉर्क है 85 न्यूटन मीटर्स का, एंड यहाँ पे बैटरी कैपेसिटी है 2.3 किलोवाट आवर की, 48 वोल्ट 48 एम्पेयर आवर की बैटरी, रेंज प्रोवाइड करेगी 100 टू 120 किलोमीटर विद अ सिंगल चार्ज। आप लोग बोलोगे ये रेंज तो काफ़ी कम है। वेल, अगर मैं बात करूँ क्वालिटी प्रोडक्ट की, तो यहाँ पे मेटल का ज़्यादा यूज़ हुआ है, थोड़ा बहुत फाइबर यूज़ हुआ है, तो गाड़ी थोड़ी वेटेड है, फिर भी उस हिसाब से रेंज ठीक ठाक निकाल दे रही है बिकॉज ऑफ द बैटरी एंड द कॉम्पैक्ट डिज़ाइन। टॉप स्पीड अगेन इसकी 45 टू 50 होने वाली है, चार्जिंग टाइम 6 आवर्स होने वाले हैं। यहाँ पे गाड़ी की बात करें तो ये आपको 5.5 इंच के फुल कलर LCD इंस्ट्रूमेंट कंसोल के साथ आती है। रिमूवेबल बैटरी पैक है, दैट मीन्स आप बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। कीलेस स्टार्ट है, ऑल LED लाइट देखने को मिलता है, रीजनरेटिव ब्रेक्स है, एंड यहाँ पे आपको अगर देखें तो स्वाइपेबल बैटरी पैक का भी ऑप्शन देगी कंपनी इन फ्यूचर। यहाँ पे जो तीनों वेरिएंट है, यहाँ पे जो डिस्क ब्रेक है, दोनों ही फ्रंट एंड रियर में 175 mm का देखने को मिलता है, एंड COS आपको स्टैंडर्ड देखने को मिलेगा, कॉम्बी ब्रेक सिस्टम एज अ स्टैंडर्ड। 100 सेक्शन का अर्बन टायर दिया गया फ्रंट एंड रियर में, एंड यहाँ पे जो क्वालिटी है वो वन ऑफ द बेस्ट देखने को मिलती है। प्राइस अभी एक्सपेक्टेड, अगर मैं बात करूँ 1,40,000 इसका हो सकता है। फिर भी आप बोलोगे कि इस प्राइस पॉइंट में रेंज काफ़ी कम है, लेकिन प्रीमियम क्वालिटी है इस कारण से इसका प्राइस ऐसा है। जैसे आप चेतक को देख सकते हैं, बजाज चेतक, ये सब प्रीमियम क्वालिटी का विथ हाई प्राइस गाड़ी, तो वैसे ही ये भी है क्योंकि प्रीमियम क्वालिटी है। भले इसका मोटर सिंपल हो, भले इसका रेंज कम हो, लेकिन प्रीमियम क्वालिटी है, इस कारण से चार्ज भी वैसी होगा। तो एक्सपेक्टेड प्राइस 1,40,000 है। अब बात आती है कि कब होगी लॉन्च, आप लोग के मन में ये ज़रूर होगा क्योंकि लास्ट ईयर से ये पोस्टपोन्ड हुए जा रही है। सुनने में आया था फेब 2022 में आएगी, लेकिन अगेन डिले होके जून 2022 के बाद के अपडेट्स है, उससे पहले के नहीं है। तो इन्फॉर्मेटिव वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताना ज़रूर। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, नया तो सब्सक्राइब कर देना, अच्छा तो प्लीज़ शेयर कर देना। मिलते अगले वीडियो में। जय हिंद।